वाला है फटाफट फटाफट, कोई रहम नहीं किसी के साथ। भाई फूडी फैमिली वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस कानपुर के नए एपिसोड में आप लोग का वेलकम है। तो आ चुके फिर से एक बार श्याम नगर और आए हैं कहाँ पर, गुप्ता जी मलाई चाय वाले। तो पहले इनका स्टॉल लगता था, अब आ चुके ई रिक्शे में पूरा सेटअप लेके। तो फिलहाल कानपुर में अपने आप सेटअप इतने तगड़ा चल रहा है कि हर कोई रिक्शा लेके आने लगा है। तो चलो चलते हैं, पहले दिखाते हैं आपको लोकेशन, भी बात करते हैं, आज देखते कौन सी न्यू ड्रेस ट्राई करेंगे इनकी हम लोग। सो गाइस चलिए देखते हैं शॉप के लोकेशन। तो शॉप के लोकेशन दिखाने वाले, शॉप का पूरा नाम बताते हैं, गुप्ता जी मलाई चाप वाले। और श्याम नगर में सबसे फेमस लैंडमार्क सुगर सिंह एकेडमी और अपोजिट बना हुआ छप्पन भोग। तो छप्पन भोग के अपोजिट आपको शॉप मिलेगी और सुगर सिंह एकेडमी के जस्ट बाहर। तो चलिए, और ये बना हुआ श्याम नगर चौराहा। तो जब आप श्याम नगर चौराहे से आ रहे होंगे और जा रहे होंगे छप्पन भोग के लिए, तो छप्पन भोग के जैसे ही अपोजिट आएंगे आपको शॉप लेफ्ट साइड मिलेगी। और सबसे फेमस यही है कि सुगर सिंह एकेडमी के बाहर ही आपको शॉप मिलेगी। तो भाई चलते शॉप पर, बात करते हैं, देखते आज क्या ट्राई करेंगे हम लोग कुछ नया। सो भाई चलो आज के गुप्ता जी के पास बात कर लेते हैं। तो क्या हाल चाल है? बढ़िया भैया, तरक्की हो गई लग रहा है, रिक्शा आ गया है, बढ़िया सजा धजा है भाई। मतलब कुछ लुक बिल्कुल अलग आ जाता है ई रिक्शे का भाई, लाइटिंग वगैरह देख के तबीयत खुश हो जाती है। मतलब नज़रें लोगों की जाती कि हाँ भाई कुछ खड़ा हुआ है, कुछ खाने पीने वाला सिस्टम है यहाँ पर। तो टाइमिंग क्या वैसे अपनी? 4 बजे ओपन होता है, 10:30 बजे क्लोज होता है। मतलब 4 से 10:30 चल रहा है, 6 घंटे की सेवा है, 6.5 घंटे की। क्या क्या खिला रहे हो? अपने पास मलाई चाप है, मलाई मोमोस है, पनीर टिक्का है, तंदूरी चाप है, अचारी चाप है। न्यू आइटम क्या आया है अपने पास? मलाई चाप रोल है, न्यू आइटम रोल है। हाँ जी, अभी तक तो हमने खाया नहीं कहीं, आया हो गया आज जबरदस्त, ट्राई करवाएंगे, आज ट्राई करा दोगे। हाँ जी, तो प्राइस क्या उसका वैसे? वो 100 रुपये प्लेट है, 100 रुपये प्लेट है, 2 पीस आते हैं, 2 पीस। तो चलो भैया लगवाते हैं, उससे पहले मेन्यू कार्ड शेयर करते हैं। दुकान वुकान तो बहुत तगड़ी बना ली है, पहले आ चुके हैं। तो पहले के वीडियो का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों में देंगे। चलते हैं मेन्यू कार्ड शेयर करते हैं, फिर दिखाते हैं आपको मेकिंग मलाई चाप वाले रोल की, और फिर खाते हैं, ट्राई करते हैं, टेस्ट शेयर करते हैं आपके साथ। तो भाई चलो मलाई चाप रोल बनने जा रहा है अपना, जी आ चुके हैं चाप। तो भैया नॉनवेज वाले ना समझा करें, कुछ लोग बाहर से देख लेते तो भाई सोचते हैं नॉनवेज खाने का है आइटम, तो भाग जाते हैं दूर से। तो भाई ये जा रही चाप वाली स्टिक अंदर तंदूर के, तो ये रखी हुई है तंदूर, बहुत तगड़ी चल रही है और गर्मियाँ भी पड़ रही हैं तो जल्दी पक के बाहर आएगी। चलो वेट करते हैं, पकाओ भैया। तो भाई चलो आ रही अपनी चाप बाहर, ये देख लो सीन ब्राउन हो चुकी बिल्कुल, जब तक करारी ना हो जाए खाने में मज़ा ना आता। तो चलो बनवाते हैं। तो चलो भाई इनका इंतज़ाम होने जा रहा है, आओ बाहर आओ रोड से, बहुत देर हो गई, चलने वाला है, बहुत तेज लो बटाबट बटाबट, कोई रहम नहीं किसी के साथ। शिमला मिर्च प्याज को भी नहीं छोड़ा, सब बराबर। और ये आ रहा चाट मसाला, वाह भाई खिलाओ, चाट मसाला खिलाओ। ये बटर आ गया। और ये आ रहा बटर, क्रीम आ गई, और ये आ रही क्रीम भाई, रुमाली गरम कर। नचा दिया था तगड़े से, और रुमाली जा रही गर्म होने के लिए अपनी, और ये प्याज भी ऐड हो रहा है इसमें। तो ये रुमाली जा रही गर्म होने के लिए, रोल तो तभी बनेगा ना जब जब रुमाली गर्म हो जाएगी।
आधी अंदर आधी बाहर। हो गई, आओ भैया तुम भी आओ। तो आ चुकी भाई अपनी रुमाली, रोल बनने जा रहे हैं अपने, देखें जरा। तो मलाई चाप रोल रेडी हो चुका फाइनली, अब पैकिंग हो जाए जरा इसकी, लपेट लपेट के गोलू बना दिया जाए। वाह भाई, तो भाई आ चुके हैं रोल अपने, ये हो रही प्लेटिंग और साथ में मिलेगी चटनी। तो ये रही ग्रीन वाली चटनी इनकी, ज़बरदस्त भैया। और ये आ गया स्पून। तो फाइनली रेडी रोल अपना, चलते हैं ट्राई करते हैं, टेस्ट शेयर करते हैं आपके साथ। तो चलो भाई रेडी हो के आ चुका अपना मलाई चाप रोल, ट्राई करते हैं फिर टेस्ट शेयर करते हैं आपके साथ। है तो बड़ा हैवी। चटनी के बिना मज़ा अधूरा रह जाता है चाप वगैरह का। तो चाप में अंदर बिल्कुल अच्छे से मलाई वगैरह ऐड करी गई, चाट मसाला प्याज ऐड करके, और रुमाली रोटी के साथ जैसे कुछ लोग खाते हैं। तो अगर हाथों को साफ रखना हो तो रोल खा लो, मज़ा आ जाएगी। और अलग से भी प्याज दिया गया है, खाने को खा सकते हैं आप। तो भाई अंदर से फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है, क्योंकि अंदर मलाई चाट मसाला और बटर चाप में ऐड करके दिया गया है, और रुमाली तो सादी होती वैसे भी, लेकिन अंदर से हर एक चीज़ का मिक्सचर करके दिया गया है, तो बिल्कुल भी सादा नहीं लग रहा है और खाने में मज़ा आ रही भाई। ऊपर से कोई भी ऑयली चीज़ नहीं है, तो इसमें बेस्ट चीज़ सबसे ये है कि अगर सेका जाता तो अलग चीज़ आ जाती, लेकिन ये तंदूर में पकाया गया तो वाकई खाने में मज़ा आ रही। तो आप भी आइएगा, ट्राई करिएगा, ट्राई करने में मज़ा आ जाएगी कन्फर्म। वो चटनी भी लाजवाब है। तो फाइनली फिनिश करते हैं अपने हम लोग मलाई चाप रोल। सो भाई फाइनली फिनिश अपने रोल, वाकई खा के मज़ा आ गई। अंदर से जो फ्लेवर आ रहा था बिल्कुल हट गया था, ऊपर से जैसे कि नॉर्मल था रुमाली लगाई गई थी, तो रोल तो बहुत कम मिल रहा है, लेकिन खाने के बाद अंदर से जो चटपटापन आ रहा था चाट मसाला ऐड करके और मलाई और बटर ऐड करके, बिल्कुल अलग ट्रेंड आ रहा था खाने में। तो रियली टेस्टी लगा मुझे तो खाने में। आप भी आइएगा ट्राई करना, ट्राई करने के बाद मेरे साथ टेस्ट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अपना आज के वीडियो यहीं सेंड करते हैं, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें शेयर करें, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब कर लिया तो नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन मुक्का मार के ज़रूर ऑन कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, कल मिलेंगे फिर कहीं नेक्स्ट व्लॉग में।